नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों जरूरी है घर में सूर्य की रोशनी? क्यों जरूरी है सूर्य को जल चढ़ाना? क्यों जरूरी है सूर्य की पूजा? जानिए सूर्य उपासना का पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि सूर्य की उपासना आखिर क्यों जरूरी है? क्यों जल चढ़ाना सूर्य को जरूरी माना जाता है? घर में सूर्य की रोशनी आनी क्यों जरूरी है? सूर्य उपासना से कैसे आपके सभी कष्ट और परेशानियां छुमंतर हो सकते हैं? सूर्य उपासना कैसे आपका जीवन बदल सकती है? सूर्य उपासना से जुड़े हर सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज कालचक्र में। पंडित जी, हमारे पुराणों में सूर्य के बारे में क्या क्या कहा गया है? क्या है सूर्य का पौराणिक महत्व? सबसे पहले यही हमारे दर्शकों को आप बताएं। सूर्य के पौराणिक महत्व के बारे में यही कहना चाहूंगा कि सूर्य ब्रह्मांड की केंद्रक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को गति प्रदान करते हैं। कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य देव। ऋग्वेद में सूर्य को अस्थावर जंगम की आत्मा कहा जाता है। सूर्य आत्मा जगत तस्थु, ये ऋग्वेद की ऋचा है। वैदिक युग से अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। तैतरीय आरण्यक, सूर्य पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को अमृत वर्षा करने वाली माना जाता है, जिससे संपूर्ण विश्व का सृजन होता है। वैदिक पुरुष सूक्त में विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों में सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। ओम सहस्र शीरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वंग सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठत सांगुलम पुरुष य वेद सर्व यदभूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग तथा पीलिया जैसे रोग में लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाता है। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने वाला नेत्र रोग से मुक्त होता है और उसके खानदान में, उसके कुल में, उसके वंश में कभी कोई अंधा होकर के या अंधा पैदा नहीं होता है। जिस घर में सूर्य की उपासना की जाती है, चाक्षुषी विद्या का प्रातः सायं पाठ किया जाता है, उस घर में अगर चार लोगों को चश्मा लग रहा है तो सारे चश्मे सूर्य ऐसी रोशनी आंखों में दे देता है कि कुछ दिनों के बाद चश्मों से भी निजात मिल जाती है। आप इसे प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। एक बच्चा जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लगभग 10 महीने का था, उसके आँख की रोशनी खत्म हो गई और उसे सभी अस्पताल में ये कहा गया कि इसके आँख में आने वाला जो पानी था वो आना बंद हो गया है, इसलिए ये रोशनी आना असंभव है। उसके पिता ने चाक्षुषी विद्या का पाठ शुरू किया और वो नित्य सूर्य को अर्घ देकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते थे और ये पाठ 5 बार करते थे। 5 बार पाठ करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। पाठ करके अभिमंत्रित जल को तांबे के कटोरे में रख करके उससे बच्चे के आँख की धुलाई कर देते थे। 6 महीने बीता होगा, एक दिन बच्चा तख्त पर से गिर गया, इसलिए उसको दिखाई नहीं देता था, और गिर करके रोने लगा। रोने के बाद उसके दोनों आँखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। फिर बात घर में खुशी का माहौल हो गया, सब लोग उसे रुला रुला कर देखने लगे कि अब आँस निकलती है कि नहीं। आँस निकलने लगी, उसके बाद में फिर
मद्रास ले जा करके शंकरा चिकित्सालय में उसको दिखाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हाँ अब संभव है, अब इसकी रोशनी आ जाएगी और आज वो बच्चा स्वस्थ होकर 24 साल का होकर के अपनी ज़िंदगी को जी रहा है ठीक ढंग से और दोनों आँखें ठीक हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखो विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। भगवान पत्थर में नहीं होते हैं, भगवान विश्वास में होते हैं। आप अगर सूर्य की उपासना करके और चाक्षुषी विद्या का पाठ शुरू कर दें तो नेत्र विकार चाहे जितना भी कठिन होगा उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये उपाय दो दिन करने पर राहत नहीं मिलेगी, इस उपाय को कम से कम कुछ दिनों तक आपको कंटिन्यू करना होगा। सूर्य के दिन के 3 प्रहर साधना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग यति हैं, जो लोग साधु हैं, जो लोग योगी हैं। प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या और सायं संध्या, ये 3 संध्या वो लोग करते हैं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें प्रातः संध्या और सायं संध्या, ये 2 प्रकार की संध्या करनी चाहिए और दोनों संध्या में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अलग अलग समय में की गई साधना का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। सूर्य की सूर्योदय के समय की गई आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोपहर के समय की गई साधना से मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शाम के समय की गई पूजा से कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इस तरह से सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने आत्मा का कारक ग्रह कहा है। आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमतः, ये आत्मा का कारक ग्रह है और आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है, तो इसलिए इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सूर्य देवता हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो चलिए अब लग्न के अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृषभ लग्न की। पंडित जी, जिन लोगों का लग्न मेष और वृषभ है उनको कैसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए? देखिए, अब पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि हम लग्न पर बात करने जा रहे हैं। 12 जो राशियां हैं, यही 12 राशियां जब 24 घंटे में भोग करती हैं तो ये लग्न बन जाती हैं। जैसे मेष से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियां हैं, उसी तरह से ये मेष से मीन तक 12 लग्न हैं, ठीक है। और ये लग्न लगभग दो घंटे में बदल जाती हैं। वेदाब्धि रामा भुज वेद रामा शराब्धि रामा सर राम रामा क्रमोत्क्रम मेघ तुलादिमानम, ये मतलब कि जो है कोई 2 घंटे की होती है, कोई 2 घंटे 5 मिनट की होती है, कोई 1 घंटे 50 मिनट की होती है, कोई 1 घंटे 40 मिनट की लग्न होती है। ऐसे ये लग्न 12 लग्न हैं और ये सब मिलाकर के 24 घंटे में 12 लग्नों का भोग होता है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई लड़का या लड़की मेष लग्न में जन्म लिया तो सूर्य उसके 5म स्थान का स्वामी होगा, उपासना स्थान का स्वामी होगा। और जब उपासना स्थान का स्वामी होगा तो मेष लग्न वालों को सूर्य की उपासना, सूर्य की कृपा से नेत्र सुख, संतान सुख, शिक्षा, उच्च शिक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य का अपनी मित्र राशि में होने से आकस्मिक धन लाभ और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार को मेष लग्न वालों को सूर्योदय से पहले स्नान करके पिंक या लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य यंत्र का पूजन करने से भी लाभ मिलता है। और हाँ, सूर्य के वैदिक मंत्रों का अगर प्रातःकाल जप किया जाए तो चाहे जितना बड़ा डिप्रेशन हो, चाहे जितना बड़ा अवसाद हो, चाहे जितनी बड़ी हीन भावना हो, उससे भी निजात मिल सकती है। सूर्य के वैदिक मंत्र में यह शक्ति है कि बिल्कुल निराश, हताश और कुंठा से भरा हुआ व्यक्ति भी अगर सूर्य के वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण करके और उस मंत्र का उच्चारण मात्र कर ले तो उसके भी जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। ये अनुभव में देखा गया है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। हीन भावना से ग्रसित, जीने की इच्छा त्याग दिए हुए व्यक्ति को भी
अगर सूर्य का वैदिक मंत्र करवाया जाए तो उसके भी जीवन में एक नए शक्ति का संचार होता है। और ये वैदिक मंत्र 12 लग्न 12 राशि के सभी लोगों के लिए आवश्यक है और सब लोग इसको कर सकते हैं, किसी एक लग्न या किसी एक राशि के लिए आवश्यक नहीं है। और सूर्य का वैदिक मंत्र है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है और शास्त्र सम्मत विधान है कि 7000 इस मंत्र का जप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग में चूंकि मंत्रों का जप 4 गुना होता है, इसलिए कलव चतुर्गुणा प्रोक्ता कलयुग के हिसाब से इस मंत्र को 28000 बार जप करना चाहिए और 28000 का दशांश हवन तर्पण मार्जन जोड़ने पर कुल 31000 मंत्रों का जप करना चाहिए, तब इसका संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। वृषभ लग्न के लिए सूर्य का आधिपत्य 4थे भाव पर होता है। इस लग्न के लिए सूर्य देव घर के लिए, माता के लिए, भूम भवन वाहन के लिए, सब चीज़ों के स्वामी होते हैं। वृषभ लग्न वालों को रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोलना चाहिए। वृषभ लग्न वालों को सूर्य को मजबूत करने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता है। और चतुर्थ भाव का स्वामी जब सूर्य होगा तो निःसंदेह ऐसे जातक की माता को हड्डियों में रोग भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर कोई वृषभ लग्न में पैदा हुआ है तो उसकी माँ को हड्डियों में रोग जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे जातक की माता को चाहिए कि वो सूर्य की उपासना जरूर करें, सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ जरूर दें और सूर्य के मंत्रों का जप करें, इससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने अब पौराणिक महत्व के बारे में तो बताया सूर्य के, अगर हम ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो ज्योतिषीय महत्व के बारे में भी हमें बताएं। देखिए, ज्योतिष जो है एक श्रृंखलाबद्ध ज्ञान है और कहते हैं कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से ज्योतिष का जो ज्ञान है ये सुसंगठित है, क्रमबद्ध है, इसलिए अगर इसको आप ज्योतिष विज्ञान कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आज सारी वेधशालाएँ हुई हैं, लेकिन अगर आज के हजारों हजार साल पहले ये शास्त्रों में वर्णन था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है, या ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देगा, ये सब चीज़ें अगर गणित के आधार पर पता चलती थी तो ज्योतिष शास्त्र है ना तथ्यपरक, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, ये किसी के मानने का मोहताज नहीं है, बल्कि ये स्वयं में प्रमाणित है। तो ज्योतिष के अनुसार कुंडली में पहले भाव के स्वामी को सूर्य पहले भाव का स्वामी माना जाता है। सूर्य आत्मा का, पिता का, राजसुख का, स्वाभिमान का कारक ग्रह है। ज्योतिष में से ग्रहों का राजा और यहां तक मंत्र में तो इसे आंख कहा गया है। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है तो सूर्य आँखों का कारक है। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो मानव शरीर में ये नेत्र और आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा वैदिन कृते यत्र, आत्मा का कारक माना गया है, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना गया है। इस आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले व्यक्ति को भी ये विशेष गुण मिलते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की आराधना करने का निर्देश किया गया है। महिला पुरुष
इसमें लिंग भेद नहीं है। दोनों को सूर्य की आराधना करने के लिए समान रूप से निर्देशित किया गया है। और ज्यों बच्चे का जनेऊ संस्कार हो जाता है त्यों वह प्रातः संध्या और सायं संध्या का अधिकारी बन जाता है और प्रातः सायं सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र के जप का वो अधिकारी बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है, हर दिन ऐसे व्यक्ति को सूर्य को अर्घ देने से आपके जन्म कुंडली में जो सूर्य का प्रभाव है वो इतना उत्तम हो जाएगा कि आपके आत्मविश्वास के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। हाँ, अगर शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। एक बात यही है कि सूर्य देव के पुत्र शनि देव हैं। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर हो जाती है तब सूर्य थोड़ा पीड़ित हो जाता है, इसीलिए कहते हैं अर्केण मंदः, मतलब सूर्य को कौन पीड़ित करता है? मंद कौन? शनि। शनि पीड़ित करता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करता है तो उसके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। चंद्रमा में जल का तत्व निहित होता है और जब हम सूर्य को जल देते हैं तो न सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा से भी बनने वाले शुभ संयोग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन लोगों को सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को चढ़ाना चाहिए, लेकिन किन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए? जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो। कैसे जानेंगे कि सूर्य कमजोर है? आत्मविश्वास आपका कमजोर होगा, बात करते समय आप हकलाएंगे, सामने वाले से बात करते समय आप विषय को भूल जाएंगे, परीक्षा के समय आपको भय लगेगा, आप बीमार हो जाएंगे, कहीं जाने के पहले आप नर्वस हो जाएंगे, ये सब सूर्य के कमजोर होने के लक्षण हैं। देखिए कहीं ये आपके स्वभाव में मिलते तो नहीं हैं? अगर मिलते हैं तो जन्म कुंडली दिखवाइए, सूर्य कमजोर होगा। जो भीड़ देख करके घबरा जाते हैं, जो ज़्यादा काम देख करके घबरा जाते हैं, जो हर समय निराशा की बातें करते हैं, जिनके मन पर हर समय नकारात्मक विचार हावी रहता है, जिन्हें हमेशा कोई अनजाना भय सताता रहता है, जिन लोगों को घर परिवार समाज में मान सम्मान पाना हो, उन सभी लोगों को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर ओम सूर्याय नमः। भाई, सूर्य पिता का कारक है। पिता का सम्मान करते हुए सूर्य की आराधना करने पर जीवन धन्य हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने सूर्य का पौराणिक महत्व, सूर्य की उपासना का ज्योतिषीय महत्व भी बता दिया, आप जरा वैज्ञानिक महत्व भी बताइए। अब देखो, मैं तो कोई वैज्ञानिक हूँ नहीं, लेकिन सही बात यह है कि जितना शास्त्रों में पढ़ा है अब उसी को वैज्ञानिक आधार मान करके अपने दर्शकों से बताऊंगा। और हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो सही में मतलब कि विज्ञान के स्टूडेंट होंगे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, तो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि अब सूर्य स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भंडार है। मनुष्य सूर्य के जितने अधिक संपर्क में रहेगा उतना ही अधिक स्वस्थ रहेगा। आधुनिक भाषा में कहूँ तो श्रद्धा, पहले जब घर बनते थे तो घर के बीचों बीच आंगन होता था और आंगन जो होता था वो उत्तर दक्षिण लंबा होता था, पूर्व पश्चिम कम लंबा होता था। तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आंगन में सूर्य की किरणें खेलती थी और उस सूर्य की रोशनी से परिवार स्वस्थ रहता था। आज की भाषा में कहें तो आज जब शरीर में दर्द होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि विटामिन डी की जाँच करवा लीजिए। विटामिन डी की जांच करवाने का मतलब कि जाइए 1800 रुपया दीजिए, विटामिन डी का जांच करवा लीजिए। विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको विटामिन डी की दवाइयां खाने के लिए मिल जाएंगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन पहले ये दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि सूर्य की किरणें पर्याप्त मिलती थी और सूर्य की किरणों से ही विटामिन डी मिलती है। तो सूर्योदय के समय उठने पर और सूर्य को जल देने पर हर अंग पर सकारात्मक असर पड़ता है। सूर्य चेहरे का आभा मंडल भी बदलता है,
क्योंकि जब आत्मविश्वास अच्छा होता है, जब हृदय में संतुष्टि का भाव होता है, तो उसका असर आपके भाव भंगिमा पर भी दिखाई देता है। यदि आपका मन ग्लानी से भरा होगा तो आपके चेहरे पर कालापन आ जाएगा, और यदि आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत है तो आपके चेहरे से तेज प्रस्फुरित होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, बल्कि ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें एक तत्व अग्नि तत्व भी है, और सूर्य को अग्नि तत्व का कारक माना गया है। ऐसे में सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे हार्ट, स्किन, आँखें, लीवर, ब्रेन जैसे सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से और सूर्य नमस्कार करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। सुबह के समय सूरज की किरणों को, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, वो हमारे शरीर में होने वाले रोगों को संतुलित करती हैं, रोगों को समाप्त करती हैं, और सूरज की किरणों में इंद्रधनुष के 7 रंगों का भी समावेश होता है। और ये रंग जो है भी हर प्रकार के रोगों को समन करने वाले होते हैं। और विज्ञान पर ये काम करता है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार की योग मुद्रा होने से एकाग्रता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सूर्य की उपासना करने से मन और मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य को हर रोज जल अर्पित करने से एकाग्रता बढ़ती है। सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से, जल्दी सोने से नींद अच्छी आती है, रोग कम होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। अब एक्टिव शब्द कहने पर मुझे याद आया है, दाहिनी आँख के आपके ऊपर ये एक एक्टिव प्लैनेट है, और इसका स्वामी ग्रह जो है सूर्य है, और बाईं आँख के ऊपर प्लानर पॉइंट है, योजना चक्र है। यहाँ का देवता जो है चंद्रमा है, लेकिन यहाँ उच्च स्थान बृहस्पति का है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और जिसका मन मजबूत होता है, वो सबसे अच्छा योजनाकार होता है, लेकिन जिसका सूर्य सिंह राशि में होता है, वो व्यक्ति उच्च कोटि का एक्टिव होता है। वो व्यक्ति बिना प्लान के भी किसी काम को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से सभी ग्रहों के स्थान बताए गए हैं। सूर्य का उच्च स्थान जो है वो नाभि है, नाभि पर जठराग्नि रहती है, और सूर्य की मेष राशि में स्थिति व्यक्ति के जठराग्नि को मजबूत करती है, और ऐसे व्यक्ति का डाइजेशन, ऐसे व्यक्ति की हाजमा शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति पेट के रोग से कभी पीड़ित नहीं होता है। तो इसी तरह से ये वैज्ञानिक महत्व जो मुझे ज्ञान था मैंने बताया है, लेकिन सच बात यह है कि सूर्य हमारे प्राण वायु की तरह है। सूर्य को मेरे कहने में अगर कहीं कमी हो रही हो तो उसको आप ठीक से अपने मन से समझ लीजिएगा। सूर्य के बिना जग अंधेरे में है, जग संसार अंधेरे में है, और जग सूना है, ये बात आप समझ लीजिएगा। कालचक्र में पंडित जी सूर्य उपासना से जुड़ी हर रहस्य से पर्दा हटा रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और उससे जुड़े खास नियमों के बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिसे जल चढ़ाना कहते हैं उसी को सूर्यार्घ कहते हैं, उसी को अर्घ देना कहते हैं। उसकी शुद्ध भाषा यह है कि अर्घ देना, सूर्य को अर्घ देना। रविवार तथा सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कुशा के आसन पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करना सबसे शुभकारी होता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए शीशा, प्लास्टिक और चांदी के बर्तन का उपयोग न करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे, पीतल और कांसे के लोटे का उपयोग आप कर सकते हैं।
तांबे के बर्तन में भूल करके भी आप चीनी, गुड़ या शहद नहीं डालेंगे। ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में कभी भी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो उसमें चीनी, गुड़, मिश्री या शहद नहीं डालेंगे। उसमें आप जल के साथ लाल फूल, दुर्वांकुर, अक्षत, हल्दी, रोली ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़, चीनी, मिश्री और शहद ये ना डालें, क्योंकि तांबे के संपर्क से ये मीठी वस्तुएं मदिरा का काम करती हैं, इसलिए वो जल दूषित हो जाएगा। दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर सूर्य को जल देते हुए ये ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणों की धार जरूर दिखाई दे। किसी दिन सूर्य नजर ना आए तो भी पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं, पंडित जी हम तो मतलब कि ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ चारों तरफ से सूरज की रोशनी ही नहीं आती है, तो हम कैसे जल दें? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल में कंपास लगाइए और देखिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कौन सा है। जो नॉर्थ ईस्ट का आपके घर का डायरेक्शन है, पूर्व उत्तर के कोने का डायरेक्शन है, सूर्योदय के समय ठीक उसी दिशा में आप खड़े होकर के सूर्य को जल दें। और एक बात और ध्यान रखिए, जल देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो पानी आपके पैरों के नीचे से ना बहे, लेकिन अगर उसका छींटा पड़ रहा है तो ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल तो आप सूर्य को दे रहे हैं, पृथ्वी को तो दे नहीं रहे हैं। तो ज्यों आपके लोटे से जल निकलेगा वो सूर्य को मिल जाएगा। पृथ्वी का स्पर्श होने के बाद अगर जल आप तक पहुंच भी गया तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा। हाँ, आपके आसन पर सूर्य का जल अगर आता है तो कोई बुराई नहीं। सूर्य की उपासना हर दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन कब सूर्य उपासना करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा ये भी मैं वैसे बताना चाहूँगा। लेकिन सचमुच में सनातन धर्म में 365 दिन सूर्य की उपासना को आवश्यक बताया गया है। सूर्य की उपासना को 365 दिन अर्थात वर्ष के हर दिन सूर्य उपासना अत्यावश्यक बताई गई है। जिस तरह से स्नान करना और भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह से सूर्य उपासना भी आवश्यक है। सूर्य की पूजा उपासना अगर सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका में की जाए तो बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के इन नक्षत्रों में ही सूर्य के लिए दान पुण्य करना चाहिए। संक्रांति का दिन सूर्य साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए जब सूर्य मकर की संक्रांति में होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, 14 जनवरी को लगभग ये समय आता है, उस समय पवित्र तीर्थ में स्नान करके जो लोग सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वो लोग अपने जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर देते हैं और उनके सौभाग्य का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, और अब बात करते हैं मिथुन और कर्क लग्न वालों की, कि उनको सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, बताएं। चलिए, तो मिथुन लग्न वालों को बताऊं कि यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो सूर्य का आधिपत्य आपके जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर, भाई बहन के भाव पर होगा। सूर्यदेव अपना पूर्ण नियंत्रण तृतीय भाव पर रखते हैं। मिथुन लग्न वालों को हर रोज सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा आपके लिए हर समय उत्तम होगी। आप कहेंगे कैसे, तो ये जान लीजिए, अगर आपका मिथुन लग्न है तो आपके तृतीय भाव का स्वामी सूर्य होगा, और तीसरे, छठवें, ग्यारहवें स्थान का स्वामी अगर सूर्य हो और उसकी महादशा चले तो व्यक्ति को हर प्रकार के राज सुख मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से कर्क लग्न वालों के लिए जब बात करना चाहता रहा हूं, तो सूर्य द्वितीय भाव पर आधिपत्य रखता है। दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है, मुंह का है, खान पान का है। तो कर्क लग्न वालों को रविवार के दिन व्रत करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव का सूर्य दाहिनी आँख में और द्वादश भाव का सूर्य बाईं आँख में तकलीफ देता है। और
यहाँ तक कि अगर सूर्य के साथ शुक्र हो जाए द्वितीय या द्वादश भाव में, तो ऐसे बच्चे को बचपन में 2-3 साल 4 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। और अगर सूर्य शुक्र के साथ होकर के पूर्ण रूपेण अस्त हो जाए तो ऐसा बालक जन्मांध भी होता है, दोनों आँखों की ज्योत समाप्त भी हो जाती है। तो सूर्य का द्वितीय द्वादश में होना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आँखों में तकलीफ है तो सूर्य को जल में सफ़ेद मंदार के फूल डाल करके अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का श्रद्धापूर्वक 3 बार पाठ कर लेना चाहिए। इससे निःसंदेह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जिन लोगों के घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, वो सूर्य की उपासना कैसे करें, ये बताएं। देखो, सही बात तो ये है कि बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहाँ प्रतीकात्मक सूर्य देव की मूर्ति लगाने से सूर्य संबंधी दोष दूर होते हैं। या तांबे के वर्गाकार तांबे के पत्रे को ऐसा बनाएं कि वो कुरुपीठ की तरह हो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो और उस पर सूर्य की रश्मियाँ छपी हुई हों और बीच में सूर्य देव का चित्र बना हुआ है। इसे अगर पूरब की दीवार पर 7 फीट की ऊंचाई पर पूजा स्थान में लगाया जाए तो सूर्य की रोशनी जब घर में नहीं पड़ रही है तो उसका दोष भी इससे कम होता है। घर की उत्तर दिशा में सूर्यदेव की मूर्ति या चित्र लगाने से घर में संपन्नता आती है। बच्चों के स्टडी रूम में सूर्यदेव की मूर्ति या चित्र लगाने से बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई करते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सूर्यदेव का मूर्ति या चित्र लगाने से परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। इसी तरह से रसोई में तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाने से अन्न धन की कमी नहीं रहती है। दुकान या ऑफिस में सूर्य प्रतिमा या सूर्य यंत्र लगाने से कारोबार में कभी नुकसान नहीं होता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सूर्य यंत्र स्थापित किया जा सकता है, सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सनातन धर्म के तो प्राण हैं सूर्य देव। जब सूर्य देव अपना पदार्पण करते हैं तो हम एक्टिव होकर के अपने सारे कामों को करने लगते हैं और ज्यों ही सूर्यदेव अस्ताचल की तरफ बढ़ते हैं त्यों ही हम विश्राम की मुद्रा में, भोजन करके आराम की मुद्रा में अपनी योजना बनाने लगते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सूर्यदेव हमारे क्रियात्मक गुण के लिए एक जिम्मेदार प्लानेट हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यहाँ तक बताऊँ आपको कि जाड़े के दिनों में जब 10-15 दिनों तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आती है, कोहरे की वजह से, बादलों की वजह से, मौसम की वजह से, तो फसलें पीली होने लगती हैं। खेत में खड़ी फसलें जो हरी भरी लग रही थी वो पीली लगने लगती हैं। तो सूर्य की रोशनी से सिर्फ हम मानव का पोषण नहीं होता है बल्कि इन वनस्पतियों का भी पोषण होता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी सूर्य से ही पालित पोषित होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, और जिन लोगों का लग्न सिंह और कन्या है, उनको सूर्य की उपासना किस तरह करनी चाहिए? देखो, सिंह लग्न वालों के लिए तो सूर्य की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सिंह लग्न का स्वामी ही है सूर्य। और सूर्य अगर प्रथम भाव का कारक भी है तो ऐसे में सिंह लग्न वालों को जल में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या लग्न के जातक हैं, उन्हें सूर्य का आधिपत्य कुंडली के 12वें भाव पर होता है। इस लग्न वालों को सूर्य देव से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कन्या लग्न वालों को सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए और अपने आँख के रोगों से हर समय अपने को बचाते रहना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, और अब बात करते हैं तुला और वृश्चिक लग्न वालों की, उनको सूर्य की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, तुला लग्न के लिए भी सूर्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुला लग्न का अगर कोई जातक होगा तो सूर्य देव उनके एकादश भाव के स्वामी होंगे। एकादश भाव पर
बड़े भाई और आमदनी के स्थान पर पूरा आधिपत्य उनका रहेगा। तो आय, संपत्ति, ऐश्वर्य, रोगों से मुक्ति, धन, पैतृक संपत्ति जैसे शुभ अशुभ फल तुला लग्न वालों को सूर्य के ही कारण मिलते हैं। तो तुला लग्न वालों को रविवार का व्रत भी रखना चाहिए। रविवार को छोटे बच्चों को अनाज से बनी मिठाई भी खिलानी चाहिए। जानते हैं वृश्चिक लग्न का जो सूर्य है वो दशम भाव पर अपना पूर्ण आधिपत्य रखता है। आदर, सम्मान, आजीविका, पिता की प्रतिष्ठा, उच्च पद, सरकारी सम्मान, मुंह और घुटने के रोग जैसे अशुभ फल सूर्य देव के प्रभाव से वृश्चिक लग्न के लोगों को मिलते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे लोगों को इस मंत्र का 31,000 जप 31 दिनों में करना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी संभव हो तो कर लें, इससे फायदा मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए हम सभी को रविवार के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए? रविवार को प्रातःकाल प्रसन्नता पूर्वक उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके तांबे के लोटे में जल, अक्षत, पुष्प, गंधाक्षत लेकर के सूर्य देव के सामने मुंह करके दोनों हाथों को अपने मस्तक के सीधे रेखा में करके 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मंत्र कहना चाहिए, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ऐसा करके लोटे का 1/3 जल गिरा देना चाहिए। फिर लोटे को सीधा करके फिर मंत्र बोलना चाहिए, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, फिर 1/3 जल गिरा देना चाहिए। फिर तीसरी बार में यह मंत्र बोल करके संपूर्ण जल को गिराना चाहिए। जल ऐसा गिरे कि आपके चेहरे को ढकता हुआ जल गिरे, तो उससे निकल करके जब सूर्य की किरणें आपके आभा मंडल पर पड़ेंगी तो आपका आभा मंडल चमक जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप निरोगी काया प्राप्त कर लेंगे। तो आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य स्त्रोत का शिवप्रोक्त सूर्याष्टक का नियमानुसार पाठ भी करना चाहिए और रविवार को शिवपुराण, सूर्य पुराण पढ़ने और सुनने से भी लाभ मिलेगा। रविवार को सूर्य गायत्री मंत्र की 1 माला कम से कम सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर जरूर करना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और रविवार के दिन किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन भूल करके भी व्यक्ति को सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और रविवार को हो सके तो सूर्य को अर्घ देकर विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। रविवार को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रविवार का व्रत रखें और नमक का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चर्म रोग से पीड़ित लोगों को तो रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। रविवार को जब भी घर से निकलें थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल करके जरूर निकलें और जिन लोगों के बाल कम उम्र में गायब हो रहे हैं उन्हें भी रविवार के दिन व्रत करना चाहिए, सूर्य की उपासना करना चाहिए। इससे बालों में मजबूती आती है और बालों का गिरना बंद होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों की। तो पंडित जी बताएं कि ये लोग किस तरह से सूर्य की उपासना करें। देखिए, धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य आपके भाग्य भाव का स्वामी होते हैं और पिता का स्थिर भाव भी भाग्य भाव ही माना जाता है और इसको धर्म का स्थान भी कहते हैं। नवम का कारक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव ही है। इस लग्न के लिए सूर्यदेव भाग्य, धर्म, संतान की उच्च शिक्षा, पिता, तपस्या, पाप पुण्य, बुद्धिमत्ता जैसे शुभ अशुभ फल को देने वाले हैं। सूर्यदेव की पूजा अर्चना धनु लग्न वालों को जरूर करना चाहिए। पूजा में घी का अखंड दीपक भी सूर्यदेव के लिए जलाना चाहिए, इससे वृद्धि होती है। रविवार को किसी योग्य ब्राह्मण को लाल वस्त्र और जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं दान करने से भी लाभ मिलता है। मकर लग्न वालों के लिए अगर बात करूं तो सूर्य का आधिपत्य आपके जन्म कुंडली के मृत्यु भाव पर रहता है। इस लग्न के लिए सूर्यदेव से आयु, मृत्यु का कारण, रोग, संकट और गुप्त रोगों से शुभ या अशुभ फल क्या मिलेगा,
इसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मकर लग्न वालों को सूर्य गायत्री मंत्र का जप सूर्य को जल अर्पित करते समय जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए, ये फायदेमंद होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा कभी मारक नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य मृत्यु भाव का स्वामी होते हुए भी मृत्यु नहीं देता है, इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंभ लग्न वालों के लिए बताना चाहूँगा कि कुंभ लग्न में सूर्य का आधिपत्य कुंडली के सातवें भाव पर होता है। इस लग्न के लिए सूर्य देव से स्त्री, कामवासना, वस्तु का खोना, व्यापार, विवाह, सांसारिक संबंध, विदेश से मान सम्मान, जीवन में संकट, मारक भाव, बवासीर जैसे रोग भी दे सकता है। तो कुंभ लग्न वालों को काले तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य राहु शनि के साथ अगर सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे लोगों को, ऐसे लड़के लड़कियों के 2 से 3 विवाह होते हैं। सूर्य यदि मेष और सिंह राशि को छोड़ करके दूसरे किसी राशि में सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे जातक के पत्नी का स्वास्थ्य हर समय या पति का स्वास्थ्य हर समय कमजोर रहता है। तो चलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करके कुंभ लग्न के लोग अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। मीन लग्न वालों को बताना चाहूँगा कि सूर्य का आधिपत्य आपके कुंडली के 6ठे भाव पर होता है। इस लग्न के लिए सूर्यदेव से ऋण, रोग, बैरी, पीड़ा, संदेह, चिंता, शंका जैसा शुभ अशुभ फल जाना जा सकता है। सूर्यदेव इस लग्न वालों को ज़्यादातर शुभ फल ही देते हैं। मीन लग्न वालों को जल में लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, इससे रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है अलका मैनपुरी से। अलका, आप बात करें पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो अलका। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरे मेरे 2 बच्चे हैं बेटे, वो बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। मैं बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 1997 में हुआ था और क्या बोलते हैं उसका भविष्य कैसा रहेगा और विवाह कब तक होगा। और बेटा का जन्म 2001 में हुआ और क्या बोलते हैं दिन है बृहस्पतिवार, बेटी का शनिवार है। और मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा और वो इंटर कर चुका है, उसके बाद अब वो क्या करे। देखिए ऐसा है कि आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा नहीं इसलिए कहा जा रहा है कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है। ये पढ़ने में मध्यम श्रेणी का स्टूडेंट है और इसलिए इसे पहली बात तो पढ़ाई में मन लगाना चाहिए और दूसरी बात अब 12वीं के बाद से ही इसे सरकारी नौकरियों के लिए, जिन नौकरियों के लायक है उसमें अभी से इसे अपने को सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करना चाहिए। निःसंदेह ये उपाय इसके लिए लाभकारी होंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर ये सूर्य को नित्य जल दिया करे तो इससे भी आपके बेटे को लाभ मिलेगा। बेटी का भविष्य ठीक है लेकिन बेटी का भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। अभी वो 19 साल की हो रही है, अभी 5 साल के बाद ही उसका भाग्योदय हो पाएगा और 24वें साल में ही विवाह का योग बनेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविवार का दिन सूर्य का होता है, सूर्य की उपासना का होता है, इस दिन हमें किन बात का ख्याल रखना चाहिए? खासतौर पर खाने की बात करें तो क्या खाना चाहिए और किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि रविवार को गुड़ और गेहूं से बना रोट भगवान विष्णु पर चढ़ा करके किसी योग्य ब्राह्मण या भूखे व्यक्ति को देकर खुद भी उसका प्रसाद रूप खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रविवार को सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देकर गुड़ का सेवन करने से भाग्य में वृद्धि होती है। रविवार को बेसन से बने लड्डू या बर्फी लाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सभी पारिवारिक सदस्यों को खिलाना चाहिए। रविवार को गुड़ की खीर बनाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। गुड़ की खीर बनाना संभव ना हो तो गुड़ खाएं और खिलाएं भी। गुड़ की रोटी बनाकर खाएं, बैल या सांड को गुड़ और गेहूं खिलाएं। रविवार को राजमा के सेवन से रक्त संचार बेहतर होता है।
रविवार को चुकंदर के सेवन से शरीर में जीवन प्रद ऊर्जा का संचार होता है और इसी तरह से शनिवार की रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और रविवार को सुबह उठते ही इस पानी को पिएं। इससे आपके तन मन पर सूर्य का प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा और बहुत से रोगों से निजात मिलेगी। रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रविवार को सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले नमक का सेवन बिल्कुल न करें। रविवार को मसूर की दाल ना खाएं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है उनको रविवार को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, इतनी अहम जानकारी के लिए, खास जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़24। नमस्कार।